थोड़ी मेहरबानिया। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेश लग रही हो आज? क्या हाल है निदा? हाँ, आज अकेली आ रही हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आया? क्या बकवास कर रही हो तुम? हैरत है, तुम इतनी मासूम हो तो नहीं, तो बन क्यों रही हो? तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के बारे में सारा ऑफिस जानता है, किस किस को चुप करवाओगी? वैसे मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पे खड़ी नहीं हुई भी हूँ, और कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। तो शहरयार कौन है आपका? निदा, क्या बातें हो रही है? मैं इकरा से तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। मेरे बारे में इकरा से क्यों पूछ रही थी? अगर आपको कुछ पूछने मुझसे पूछिए। क्योंकि आजकल आप सिर्फ इकरा के साथ ही नजर आती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इकरा आपके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकती थी। मैंने ऐसा क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं तो फिर कब जाना है मामू की तरह? तुम बताओ, ट्यूशन से कब फारिग होगे? मैं तो कहता हूँ परसों चलते हैं, मैं छुट्टी कर लूंगा। ठीक है, मैं फारूक भाई और अली भाभी को फोन करके बता देती हूँ, ज़हनी तौर पे तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। चाय कैसी? हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास। शरीर बात कर रहा हूँ तुम्हारे पीछे से। जी शरीर सर बोले, मैं बिजी हूँ जरा थोड़ी सी। नहीं, आप बिजी नहीं हैं, अपने दाखी फजूल बातों से तंग हैं। आपको कोई काम था मुझसे? मैं जानता हूँ आप तो मुझे ऑफिस में अवॉइड करोगी, इसलिए कॉल करके बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर कोई काम है तो बताएं मुझे। एक्चुअली कल मेरी बर्थडे है और तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैं बर्थडे पार्टीज पे नहीं जाती हूँ, आप बाकी सबको इनवाइट कर लें। अब ऐसे तो ना कहो, मेरा दिल टूट जाएगा। वैसे आपको नहीं लगता कि बर्थडे पार्टीज के हिसाब से आप काफी बड़े हो गए हैं, ये सब अब आपको सूट नहीं करता? ये तो सिर्फ दोस्तों के मिलने का ही बहाना है, मैं चाहता हूँ कि हम सारे इकट्ठे टाइम स्पेंड करें। आपको लाजमी आना होगा, मैं केक नहीं काटूंगा तुम्हारे बगैर। अच्छा, मुझे अपना सेल नंबर दो, मैं तुम्हें अपना एड्रेस SMS कर देता हूँ, कल 4 बजे तुम्हें आना। मेरे पास मोबाइल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फाइल पे लिख के भेज देता हूँ। मैं देखूंगी। अरे इकरा, आप? Happy birthday. Wow. Thank you so much. They're beautiful. मुझे समझ में नहीं आया था क्या लूं आपके लिए, तो ये अच्छे लगे मुझे। It's okay, आपको तो आ गई। आइए ना, आइए प्लीज, अंदर आइए। 6 तो बज गए हैं, और कोई नहीं आया अभी तक? मैंने किसी और को बुलाया नहीं। क्या मतलब?
आपसे मजाक कर रहा हूँ। हॉलों को बुलाया लेकिन लेट बुलाया, आपको थोड़ा जल्दी बुला दिया। मुझे जल्दी बुलाने की वजह? ताकि हम दोनों आपस में वक्त गुजार सके और आप किचन में मेरी हेल्प कर दो, मुझे किचन के काम होते नहीं। ओके, किचन किधर है आपका? आइए प्लीज। वैसे लोग ठीक कहते हैं कि घर औरत के हाथ से ही बनता है। आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? जी। मैंने तो सुना था कि आप काफी अमीर वालदेन के बेटे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। आपने ठीक सुना था, लेकिन ये सब कुछ मेरे वालिद का है। वो मुझे अपनी जायदाद से अलग कर चुके हैं। क्यों? वो इसलिए कि मैंने उनकी भतीजी से शादी से इनकार कर दिया था, और मैं समझता हूं ये ठीक है। इंसान को जिंदगी अपने मुताबिक गुजारनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? पता नहीं, शरारम कोई आया ही नहीं है अभी तक, काफी लेट हो गया है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए अब। प्लीज बात सुने मेरी। इकरा, मैं तुम्हें चाहता हूं। इकरा बेटा, मुझे ना तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अभी मेरी कंपनी की पॉलिसी बदल गई है, इस महीने की 5 तारीख को मिलेगी तनख्वाह मुझे। क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता पैसों का ही है? माँ बेटी का रिश्ता भी है हमारा। पिछले 2 साल से तो हमारा पैसों का ही ताल्लुक रह गया है अम्मी। कभी आसमा की शादी करवानी है, कभी दावतें करवानी है, कभी घर का राशन खत्म हो जाता है, कभी बिजली का बिल, तो कभी अब्बू की दवाइयाँ। पैसों का ही ताल्लुक रह गया सिर्फ हमारा। मैं तो सिर्फ तुमसे ये कहने आई थी कि कल तुम्हारी फूफो आ रही हैं। क्यों, क्या करने आ रहे हैं वो लोग? आएंगे तो पता चलेगा। बहरहाल तुम्हारे अब्बू ने ताकीद कर दी है कि तुम जल्दी घर आओ। कर मैं कल नहीं आ सकती अम्मी, मुझे ऑफिस में काम है थोड़ा। वैसे भी मैंने क्या करना है घर पे होके, आप खुद ही मिलेगा या सो फूफो से, उनका कोई फायदा तो नहीं है। तुम्हारा होना जरूरी है। क्या माँ बाप का लिहाज खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर? मैंने कह दिया कल तुम जल्दी घर आना, समझी?
मामा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना आपके बेटे जैसा ही तो हूं। थैंक यू बेटा, जीतते रहो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, मैं रोज काम पे जाता हूं और एकेडमी का तो मुझे बहुत सारा तजर्बा हो गया है। मैं तो सोच रहा हूं कि मैं अपने घर पे एकेडमी खोलूं। अब देखना इकरा चली आएगी तो उसके बाद ये घर हमें काटने को दौड़ने लगेगा। मामू ने सब प्लान बनाया हुआ है। इकरा ने हमारी जिम्मेदारी बहुत उठा ली फौजिया। हम तो चाहते थे कि आसमा से पहले उसकी रुख्सती कर दी जाती, लेकिन सल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन अब हमारा ख्याल यह है कि अब हम जल्द से जल्द उसकी रुख्सती कर देना चाहते हैं। तो फिर ठीक है फारूक भाई, इस महीने की 28 तारीख तय कर लेते हैं। मैं तैमूर से भी कह दूंगी कि वो भी आ जाए, दोनों भाइयों की इकट्ठी शादी कर देगी। चलें भाई, आप लोग मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया भैया, मेरा तो ये है। आप भी मुंह मीठा कीजिए। अच्छा भाई, हम अब तक की सेहत ठीक होगी तब मिठाई खा सकते। आपसे बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। आलिया भाभी, ये इकरा कहाँ है? देर नहीं हो गई उसको ऑफिस से? आने वाली होगी वो, असल में रास्ते में ट्रैफिक भी तो बहुत होता है ना। फारूक भाई, आप इकरा से कह दीजिए कि बस अब जॉब छोड़ दे। मेरे यास की भी यही ख्वाहिश है कि वो जॉब छोड़ दे और जो भी रुखी सूखी होगी हम मिल बांट के खा लेंगे। उसको ये मशक्कत भरी जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी कब चाहता था कि वो जॉब करे, लेकिन बस अपनी बीमारी की वजह से मजबूर हो गया था। कितना बोझ उठाना पड़ा है उस लड़की को मेरे लिए। अब तो कोई मजबूरी नहीं है ना, अब घर में रहे, घर को संवारे सजाए, हमें तो बस इकरा ही चाहिए। मुझे लगता है इकरा आ गई, मैं अब देखती हूँ। फारूक भाई ले मिठाई, लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुम आ गई। चलो जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाओ। क्यों, कौन आया? तुम्हारी फूफा रियाज आए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी आ जाना। वो क्या कर रहे हैं? शादी की तारीख पक्की करने आए। किसकी शादी? तुम्हारी शादी, तुम्हारे अब्बा ने इस महीने की 28 तारीख रख दी है। आप लोगों ने किससे पूछ के डेट फिक्स किया है? क्या मतलब, वो तुम्हारे अब्बू है, उन्हें पूरा हक है शादी की तारीख रखने का। अम्मी मैंने शादी नहीं करनी अभी। क्या कह रही हो तुम इकरा? अंदर तुम्हारी फूफा रियाज बैठे हैं और तुम ये बात कर रही हो? अच्छी बात है, वो लोग अंदर बैठे हैं ना, आप जाएं और जाके उनको बता दें कि मैंने शादी नहीं करनी। मैं मना नहीं कर सकती। आप नहीं कह सकते ना, तो मैं ही कह देती हूँ जाकर। इकरा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी लंबी उम्र है मेरी इकरा की, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। मेरा जिक्र क्यों कर रहे थे आप लोग? वो दरअसल हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। मगर अब अभी मुझे, तुम थकी भी आई हो, जाओ जाके फ्रेश हो। एक मिनट, मुझे मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें। मुझे भी शादी नहीं करनी। क्या कह रही हो तुम इकरा? मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत फिक्रमंद हो अपने घर वालों के लिए, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अयाज और फारूक भाई सारी जिम्मेदारी उठा लेंगे, बस तुम ये मशक्कत वाली रूटीन छोड़ दो। तुम तुम्हारे घर की मलका हो। तो मुझे अभी मुझे नहीं करनी है शादी अभी। आप मेरी डेट फिक्स मत करें, मुझे जब और जिससे शादी करनी होगी मैं बता दूंगी आप लोगों को।
में चलना चाहिए। खुदाफिज आलिया भाभी। खुदाफिज मामू। खुदाफिज मामू। ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत और हमारे एकबार का? अरे रुस्वा करके रख दिया तुमने हमें सबके सामने। मैंने किया क्या है अम्मी? अभी पूछ रही हो कि तुमने किया क्या है? हैं? क्यों ना पूछो? अम्मी, जब मैं इस घर के लिए कमा सकती हूँ, सारी जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ, आसमा की शादी करा सकती हूँ, तो मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने लिए एक फैसला कर सकूं? बोलने दो उसे, बात करने दो। अबू, मैं अयाज से नहीं करना चाहती शादी। होश में भी हो तुम, क्या बात कर रही हो? अम्मी, इसमें होश में ना होने वाली क्या बात है? क्या तुम किसी और से? अबू, मैं ये फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। मुझे जब भी करनी होगी शादी, और जिससे भी, मैं बता दूंगी आप लोगों को। फिलहाल मुझे नहीं करनी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही इकरा है जो एक ग्लास पानी भी हमसे पूछ के पीती थी। आज अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद करने को तैयार है। ये वो इकरा नहीं है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही इकरा। नहीं अम्मा, वो अभी एक घंटा है। दिल छोटा मत करो। मैं तो अस्मा की शादी पे छिटक गई थी खराब के तौर तरीके देखकर। जरूर कोई चक्कर है। क्या चक्कर है अम्मा? बाज नौकरी करने वाली लड़कियों याज बहुत आजाद ख्याल हो जाती हैं, अपनी मर्जी चलाने लगती हैं, और उनको अपने माँ बाप की बातें पाबंदियां लगने लगती हैं। माँ, कला को आप सालों से जानती हैं, वो ऐसी है ही नहीं। उसने तो ये काम मामू को सहारा देने के लिए किया था उनकी बीमारी में। ना ही वो आजादी ढूंढ रही है और ना ही घर से बाहर जाने का बहाना। लेकिन हुआ तो वही ना जो नौकरी करने वाली लड़कियों के बारे में मशहूर है। क्या मशहूर है? यही कि अपनी आजादी को बहुत पसंद करती हैं और उसी शख्स का इंतखाब करेंगी जो उन्हें आजादी दे रखेगा, उनको कैद करके नहीं रखेगा। मेरे ख्याल में इकरा किसी और को चाहती है।
तो तुम क्यों फिक्र करते हो? इकरा नहीं तो कोई और सही। मैं तुम्हारे लिए खुद एक खूबसूरत और सुघड़ लड़की लेकर आऊंगी। छोड़िए अम्मा, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें आज? इकरा की खातिर क्या तुम सारी उम्र कंवारे बैठे रहोगे? अम्मा मैं चाहता हूं कि बस वो जहां भी हो, जिसके साथ भी हो, बस खुश रहे। बस अम्मा दिल उठ गया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। यार ये बहुत कीमती लग रही है, मैं नहीं ले सकती। तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल किया, इसके शुक्रिया के तौर पर गिफ्ट है। और वैसे इसमें मेरी गर्ज भी शामिल है, ऑफिस के बाद तुमसे बात ही नहीं हो सकती। मैं घर नहीं लेके जा सकती, अम्मी अब्बू मुझसे पूछेंगे कि कहां से आई है मेरे पास। कह देना मैंने दी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे यार तुम इंडिपेंडेंट हो, कमाती हो, बता देना खुद खरीदी है। मैंने पहले ही इतनी बदतमीजी की थी घर पे, अम्मी अब्बू वैसे ही मुझसे नाराज है। मैं ये दिखाऊंगी तो मेरी फजूल खर्ची पे तो मुझसे बात ही नहीं करेगा कोई भी। इकरा देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक है। तुम कोई भेड़ बकरी तो हो नहीं। तुमने शादी से इनकार करके बिल्कुल ठीक किया है। मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, लेकिन आज सिर्फ ट्यूशंस पढ़ा के तुम्हें कैसे खुश रख सकता है? तुम्हें सिर्फ मैं खुश रख सकता हूँ। सब मेरे बारे में बातें करने लग गए। करने दो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है फर्क, मुझे से लगता है मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई ऑफिस में अब। मेरे दिल में तो तुम्हारी इज्जत है ना, मुझे हमेशा तुम्हारी जैसी लड़की ही ख्वाहिश रही है, जो मजबूत किरदार की हो और इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली। मगर मैं तो हार गई हूँ ना तुम्हारे प्यार में। ये सब तुमने मेरी खातिर किया है, किसी और की खातिर करती तो मुझे बहुत दुख होना था। अच्छी लगी? बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है ना? अच्छा तो इसीलिए उसने अयास के रिश्ते को मना किया। अम्मी आप ही ने अच्छा नहीं किया, अयास भाई कितने अच्छे थे, कितना चाहते थे आप ही को, और सबसे बढ़कर अब्बू की बीमारी वाले दिनों में कितना ख्याल रखा था उन्होंने हम सबका। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ भुला दिया उसने। अम्मी मैं तो कहती हूँ आप ही की शादी कर दें, जहाँ वो चाहती है। कितनी बदनामी की बात है। और अगर इस तरह उनको किसी और ने रेस्टोरेंट में देख लिया तो फिर बदनामी नहीं होगी? कहती तो तुम ठीक हो, मैं तो खुद चाहती हूँ जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो। लड़का कैसा था? अम्मी देखने में तो ठीक ही लग रहा था, बल्कि वो वही लड़का है जो मेरी शादी पे भी आया था और आप ही सबसे उनको मिलवा भी रही थी। अच्छा वही लड़का है? अल्लाह जाने उसका किरदार कैसा है, खानदान कैसा है, उसे क्या पता। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? सब अच्छा ही होगा। मेरी तरह बड़ी सादा है, उसे लोगों की पहचान बिल्कुल नहीं है। देखो अयास कितना नेक और अच्छा बच्चा था। कह तो आप ठीक रही हैं, बस अब आप वो करें जो आप ही चाहती हैं, इसी में हम सबकी भलाई है।
अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। हेलो, आप जाग रहे हैं अब तक? नहीं कुछ नहीं, वैसे कल के लिए कुछ सोच रही थी। मैं बाद में कॉल करती हूँ, अभी ठहर के। किसका फोन है? मेरा फोन है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे। ऐसा कोई खास महंगा भी नहीं है, आप बाहर निकल के देखें घर से लोगों ने कितने महंगे महंगे फोन रखे हुए हैं। और आसमा के पास तो इससे भी महंगा फोन है। उसके शौहर ने दिया उसे। तो मैं क्या करूं, मियां का इंतजार करूं? वैसे भी आपने मेरे लिए जिसका इंतखाब किया ना, मैं नहीं दे। वैसे अयाज अच्छा लड़का है, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा होने से क्या होता है अम्मी, आजकल के जमाने में इंसान के पास ना पैसा होना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा मैं आप लोगों के लिए चीजें लूं तो वो सही है, मैं अपने लिए कभी कुछ ले लूं तो वो फजूल खर्ची बन जाती है। अम्मी मैं कमाती हूँ इस घर के लिए, मेरा भी हक है कि मैं कभी अपने लिए भी कोई चीज खरीद लूं। हर वक्त आप काम में लगे रहते हैं, बात किस वक्त करूं मैं आपसे? आप अपने इस काम से जरा फारिग हो जाए तो मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरे ये एक कॉपी रह गई, इसके बाद बात करता हूं। बंद कर देना थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ बात करनी है, जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। वो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि इकरा की शादी कर दें आप। किया तो था अयाज के साथ उसका रिश्ता, क्या बना? अयाज से नहीं तो वो जहां करना चाहती है ना वहीं कर दें उसकी शादी। कहां चाहती है वो? आपको याद है वो आसमा की शादी पे जो लड़का आया था, वो इकरा का कोलीग है, उसी से करना चाहती है। तो ये बात है। उसका पता कराएं। कैसे पता कराऊं? भाई हकीम साहब थे वो रिटायर हो गए, मैं किससे कहूं? मैं किसी पे एतबार नहीं कर सकता। छानबीन तो आपको करानी पड़ेगी, ऐसे तो हम अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे सकते। अच्छा मुझे सोचने दो, देखता हूँ क्या करना है। क्या नाम है उसका? शहरयार। शहरयार।
इकरा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ? क्या सुनाओ? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आज लंच लाई हो या कैंटीन चले? इकरा, मैं 10 दिन से ऑफिस नहीं आई और मुझे पता है तुम 10 दिन बाद आ रही हो। इतना काम था यार ऑफिस में, मुझे तुम्हें कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे हुआ क्या था? यार मेरी अम्मी बीमार थी, डॉक्टर ने कहा है कि उनके गुर्दे फेल हो गए और मैं सोनी को डायलिसिस के लिए रोजाना लेके जाना पड़ता था। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तो तुम्हारे बाकी बहन भाई किधर है? सिर्फ तुम्हारी अम्मी है वो, तुम्हें ध्यान रखना। इकरा, वो मेरी अम्मी है, मैं उनसे गाफिल नहीं रह सकती। तो दूसरे भी तो गाफिल है ना शाजिया। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी अम्मी का ख्याल नहीं रखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हारे बहन भाई किस काम के लिए? अब पहले तुम ऑफिस में काम करो, कमा के घर लेके जाओ, फिर अपनी अम्मी का भी ध्यान रखो, तो तुम्हारी बहनें क्या करेंगी? उनकी ड्यूटी लगाओ ना। इकरा, ये तुम क्या रही हो? मुझे तो लगा था कि मैं आऊंगी, तुमसे बातें करूंगी, तुम मेरी हौसला अफजाई करोगी, मुझे सच्चाई और अच्छाई पे शाबाशी दोगी, लेकिन तुम तो मुझे नेकी से बदगुमान कर रही हो यार। तुम्हें ने तो मुझे कहा था शाजिया के घर वालों को दुबा के रखना चाहिए, अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ मगर वो सब मैंने किसी बुरे मतलब में नहीं कहा था। हालात से घबराकर इंसान के लहजे में कभी कभार तलखी आ जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने घर वालों की तरफ से गाफिल हो जाएं। और वैसे भी हम लड़कियां अपने घर वालों की तरफ से अपना दिल सख्त नहीं कर सकती। लेकिन तुम इतनी संग दिल कैसे हो गई? संग दिल नहीं हो रही हूँ यार, प्रैक्टिकल होके सोच रही हूँ। तुम्हें ये समझना चाहिए तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हो। अगर इतना इमोशनल होके सोचने लगे ना तो ये जिंदगी खा जाएगी तुम्हें और मुझे। यार मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अपने बहन भाइयों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाओ बस। अच्छा मुझे बताओ कि तुम कुछ खाने के लिए लाई हो या नहीं, या कैंटीन ही जाना है? कैंटीन ही चलते हैं, वो बेस्ट है। मैं जा रही हूँ। आ जाना तुम भी। ऐसा करती हूँ कि ना ये सब आके करूँ यार, बहुत भूख लगी। आ जाना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, चाय बना दूं आपको? वालेकुम सलाम, मेरे पास एक मिनट। जी अब्बू। कौन था ये लड़का? कौन लड़का? वही जो तुम्हारे साथ गाड़ी में था। वो ऑफिस में काम करता है मेरे साथ। पसंद करती हूँ उसे? ठीक है, उससे कहो कि अपने वालदैन को लेकर हमारे पास आए। अबू कह रहे थे कि आप अपने घर वालों को ले आए। वो किस लिए? रिश्ते के लिए। किसके रिश्ते के लिए? शहरयार। वैसे तुम लड़कियों को शादी का कितना शौक होता है ना? तो आपको शादी का शौक नहीं है, ऐसे रहना है आपने सारी जिंदगी। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इकरा। तो क्या आप ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है? आप टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ? मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे मजाक कर रहा था यार। तुम भी ना हर बात में सीरियस हो जाती हो,
आपने बात ही ऐसी की है। मैंने बहुत सोच समझ कर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बना सकूं। मगर पेरेंट्स को बुलाने की शायद थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे वालिद मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनके भाई की बेटी से शादी से इनकार कर दिया। वो कभी भी नहीं आएंगे मेरे रिश्ते के लिए। आपको क्या लगता है, अगर आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे तो मेरे माँ बाप मान जाएंगे शादी के लिए? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्या करेंगे आप? एक प्लान है मेरे पास। यहाँ पे मेरी एक दूर पार की कजिन रहती है, मैं उनसे बात करके उनके और उनके हस्बैंड को कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आ जाए। क्या कहती हो? पता नहीं। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आखिर इतना हैंडसम दामाद कहाँ मिलेगा तुम्हारे पेरेंट्स को? जॉब है मेरे पास, सिक्योरिटी है, गाड़ी है, घर है, हाँ जायदाद भी थी। इतने भी अच्छे नहीं आप, बहुत बुरे। वो तो है। वैसे मुझे आपका फ्लैट बहुत अच्छा लगा। पता है मेरा ना हमेशा से ख्वाब था कि मेरा अपना ऐसे छोटा सा प्यारा सा घर हो। Really? जिसे मैं अपने हाथों से डेकोरेट करूं, एक एक कोना उसका, अच्छा सा फर्नीचर रखूं, ढेर सारे प्लांट्स रखूं, और फिर शाम में जब आप ऑफिस से वापस आए तो हम लोग बाहर खड़ों की कॉफी पिए अच्छी सी हवा में। हफ्ते में एक बार तो कैंडल लाइट डिनर होना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव। वाओ, तुम इतना आगे का सोचती हो। नहीं, इतना आगे का सोचने वाली बात नहीं है। हर लड़की का ख्वाब होता है ना उसका घर हो अपना, मेरा भी है। तुम्हारे इस ख्वाब की तबीयत जरूर होगी। कुछ ऑर्डर करें? Yeah, of course. Excuse me, please.